Hey guys, welcome to Top 7 of the Day, जिसमें हम लेके आए हैं आपके लिए टीवी स्टार्स और शो से जुड़ी सात छोटी बड़ी खबरें। आज है 5 सितंबर और हम लेके आए हैं अपनी ऑडियंस के लिए दिन की सात छोटी बड़ी खबरें। अगर आप रोजाना की सात छोटी बड़ी खबरें जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें टीवी का तड़का यूट्यूब चैनल। तो चलिए जल्दी से बताते हैं आपको आज की खबरों के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं दानिश तैमूर के बारे में सीक्रेट्स, उनकी कॉन्ट्रोवर्सी, शादी और टॉप ड्रामास और फिल्म, तो टॉप 7 फैक्ट्स अबाउट दानिश तैमूर की वो एपिसोड हमने अपलोड कर दी है अपने यूट्यूब चैनल पर, आप वो जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आपको इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। टॉप 7 न्यूज ऑफ द डे में से पहली टॉप न्यूज, कल पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बाद जब पाकिस्तान मैच जीत गया जिसमें रिजवान ने बहुत ही अच्छा खेला, तो फिरोज खान ने उसके बारे में ट्वीट कर कहा, रिजवान यू ब्यूटी #PakVsIndia। फैंस फिरोज खान को क्रिकेटर्स को अप्रिशिएट करने पर बहुत बहुत प्यार बरसा रहे हैं और दोनों की ही खूब तारीफें कर रहे हैं। हम आपको एक बात बता दें, अगर आपको हमारी ये पोस्ट अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कल है 6 सितंबर और कल है आपके होस्ट की बर्थडे, तो क्या आप अपने होस्ट को बर्थडे गिफ्ट देना चाहेंगे? और वो गिफ्ट ये होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि कल तक हमारे 800 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी टॉप न्यूज, अमल मुनीब भट्ट और मीनाल खान की आई एक वीडियो सामने जिसमे मीनाल खान अपनी बहन की बेटी का स्पा कर रही है, जिनमें मीनाल खूब क्यूट क्यूट से रिएक्शन दे रही हैं, जिस वीडियो को ऑडियंस बेहद पसंद कर रही है। आप भी देखें उनकी बातें और उनके क्यूट क्यूट एक्सप्रेशंस। एंड रिलैक्स, वी आर डूइंग योर मसाज राइट नाउ, फेशियल इज हैपनिंग, यू लाइक इट? ओके, यस वी आर पुटिंग इट, वी आर पुटिंग इट। ओके, क्लोज योर आईज मैम, मैम मीनाल खान सैलून, क्लोज 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 क्लोज। Okay, done. Wow. show me, close your eyes. Show me. Wow. दिन की तीसरी टॉप न्यूज, इंडिया और पाकिस्तान के मैच के बाद इंडियन प्लेयर अर्शदीप सिंह के खेलने के तरीके पर किया फहद मुस्तफा ने कमेंट, उन्होंने कहा, अल्लाह आपको खुश रखे मेरे मैन ऑफ द मैच। ऑडियंस उनके इस पे बहुत हंस रही है और एक्टर की तारीफें कर रही है, क्योंकि असल में फहद मुस्तफा ने उनकी तारीफ नहीं बल्कि टॉन्ट किया है। चौथी टॉप न्यूज, बॉय गर्ल दोनों ने मुबीन ने भी अर्शदीप सिंह पर कमेंट कर कहा, कैन वी प्लीज बी डिसेंट अबाउट दिस विन, सेलिब्रेट विद आउट ह्यूमिलेटिंग एनीवन। कुछ लोग तो एक्ट्रेस की तारीफें कर रही हैं कि आपने बहुत अच्छी बात कही है कि किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन कुछ ये कह रहे हैं क्या हम जीत का जश्न ना मनाएं? आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पांचवी टॉप न्यूज, पाकिस्तान और इंडिया के मैच में रिजवान के बहुत ही अच्छा खेलने पर मीरा बली ने शेयर की उनकी एक मीम, जिसमें रिजवान ग्राउंड पर लेटे हुए हैं और नीचे लिखा हुआ है कॉल द एम्बुलेंस, और उसके बाद एक पोस्ट में वो बहुत ही अच्छी तरह उठ खड़े हुए हैं और उसके नीचे लिखा हुआ है बट नॉट फॉर मी। इसका मतलब है कि इंडियन प्लेयर्स के लिए, क्योंकि वो अकेले ही उन पर भारी पड़ गए थे। एक्ट्रेस की खूब तारीफें की जा रही हैं और ऑडियंस इस मीम पर बेहद हंस रही हैं। छठी टॉप न्यूज, समी खान और सोनिया हुसैन का आएगा एक नया ड्रामा हम टीवी पर, जी हाँ तिनके का सहारा। ऑडियंस इस ड्रामे को देखने के लिए बेहद ही एक्साइटेड है, कि आप अपने फेवरेट स्टार्स को इस ड्रामा में देखने के लिए एक्साइटेड है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सातवीं और आखिरी टॉप न्यूज, तमाशा घर में हुई बहुत बड़ी लड़ाई जिसमें मायरा खान और घर के वजीर उमर आलम की नोक झोंक देखने को मिली। इसके अलावा सैयदा इम्तियाज और मरीहा सफदर की होगी आज के एपिसोड में बहुत बड़ी लड़ाई, जिसको देखने के लिए ऑडियंस बेहद एक्साइटेड है। आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप पाकिस्तान का ये रियलिटी शो तमाशा देख रहे हैं और कौन है आपका फेवरेट कंटेस्टेंट, ये जरूर बताइएगा। तो अपनी बात याद रखिएगा, अपने होस्ट को दें गिफ्ट सब्सक्राइब करके उनका चैनल, क्योंकि हमें कल तक चाहिए 800 सब्सक्राइबर्स। ये थी आज की सात छोटी बड़ी खबरें, अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आप रोज की सात छोटी बड़ी खबरें हासिल कर सकें।